पत्नी से बच्चा नहीं होने पर एक पति ने अपने ही पत्नी की हत्या कर दी। मामला बिहार के मोतिहारी जिले का है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कुल्हाड़ी से काट कर कर दी। आरोपों के मुताबिक आरोपी की पत्नी गर्भधारण नहीं कर पा रही थी, जिसको लेकर कई बार इलाज भी कराया लेकिन सब विफल रहा। ये बात पति पर नागवार गुजरा। बताया जा रहा है कि बच्चा नहीं जन्म देने के कारण पति पत्नी में हमेशा विवाद रहता था। विवाद और इलाज के बीच जब पत्नी ने बच्चा को जन्म नहीं दिया तो पति राजकुमार ठाकुर ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी शोभा देवी को काट कर उसकी हत्या कर दी। घटना पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना के नोनिया पहरा गांव की है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को बरामद किया, जबकि आरोपी पति राजकुमार ठाकुर ने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। नोनिया परहा टोला की है, वहाँ की एक शोभा देवी, उम्र करीब 29 साल, और इसकी शादी करीब 7-8 साल पहले राजकुमार ठाकुर से हुई थी, और शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच आपस में नहीं बन रहा था, बराबर अक्सर झगड़ा हुआ करता था। और जैसा कि वहाँ पर ग्रामीणों ने और भी लोगों ने बताया कि उस वो शादी के बाद अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ है, यह भी एक कारण था जिसके चलते दोनों में बराबर आपस में नहीं बन पा रहा था। आज सुबह 7 बजे भी कुछ आपसी विवाद को लेकर दोनों के बीच झड़प हुई, जिसमें पति ने पास में रखे टेंगारी को उठा करके एक टेंगारी उसके गर्दन पर चला दिया। टेंगारी लगते ही वह गिर गई और तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। हम लोगों ने पति को, जो बगल में छुपा हुआ था, पुलिस पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर ली है, और जो टेंगारी था जिसे मारा गया था उस टेंगारी को भी जब्त किया गया है। लड़की के मैके वालों को सूचना दे दी गई है, वो लोग आ रहे हैं, तब पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए। बहरहाल इस देश में हजारों बच्चे अनाथ हैं। ये दाम्पत्य चाहता तो उसमें से किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी खुशियां उसी में तलाश लेता, मगर बच्चे की चाहत में अंधा हुआ आरोपी ने जुर्म का रास्ता इख्तियार किया और पूरा परिवार उजाड़ डाला। रंजीत कुमार, टाइम्स न्यूज, मोतिहारी।